जुले अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा थर्ड सेशन है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे। कल हमने पढ़ा था, क्लासिफाई किया था नेचुरल रिसोर्सेज को, नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज किया था। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारा कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे, उसके बाद वाटर और उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर डिस्कस करेंगे कि इनका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है और ज़रूरी क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल मींस जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, उसको जमीन के अंदर जब इसका फॉर्मेशन बता देता हूं मैं। ये जो इमेज है इसमें डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो कि अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे है। विद टाइम क्या होता है कि ये अर्थ सैंड एंड सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है और ये सब सरफेस में आ जाते हैं, अर्थ के सब सरफेस में। और आहिस्ते आहिस्ते ऐसा टाइम भी आ जाता है जब वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म हो जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम में, ठीक है। अब ये हो गया फॉर्मेशन। अब देख लीजिए, ये फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं। अब ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। अब हम देख लीजिए, यहाँ जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है ना, वो अलग बात है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है जो हम कोल एंड पेट्रोलियम का इंडस्ट्री, कार्स और बाकी सारे चीजों में एनर्जी जनरेट करने के लिए जो यूज करते हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट बहुत सारे गैसेस ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस। ये गैसेस एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, पहला ये पोल्यूट करते हैं, और दूसरा ये डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीजेस और थ्रोट डिजीजेस। इनका हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा है। दूसरा ये करते थे, पॉल्यूशन क्रिएट करते थे, पहला डिजीजेस क्रिएट करते थे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और थ्रोट डिजीजेस मेनली ये डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं, पॉल्यूशन। और तीसरा, इन गैसेस हार्मफुल गैसेस का हमारे ओजोन लेयर पे भी फर्क पड़ता है, जिसके वजह से हमें ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट को हमें फेस करना पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो अमेज़न फायर हुआ था, उसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो समर होता है बहुत ज्यादा हॉट होता है, विंटर वैसे ही बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। जो फॉरेस्ट था अमेज़न फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये जो गैसेस है उनके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ था। वार्मिंग के वजह से उन जंगलों में आग लगना शुरू हो जाता है, और ये गैसेस बहुत सारे जगहों पे देखने को मिल रहा है। तो हम इस कोल एंड पेट्रोलियम का अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा। हमारा इसको बहुत एक्सेसिवली यूज नहीं करना है। एक तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, कोल हमारा 200 इयर्स तक लास्ट करेगा, पेट्रोलियम हमारा 40 to 50 इयर्स तक हमारा लास्ट करेगा। इसका इससे अच्छा है कि हम शिफ्ट हो जाए, जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है कोल एंड पेट्रोलियम, शिफ्ट हो जाए और रिन्यूएबल रिसोर्सेस को यूज करें, ताकि हमारा एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूस रहे और हमारे एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अब सॉल्यूशन है, यूज करना है हमें
लेस, ठीक है, यूज करना है लेस। इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट है हमारे पास कि शिफ्ट हो जाए सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, इनमें शिफ्ट होके इनसे ही हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है जो कि हमारा इको फ्रेंडली रहेगा और एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है वाटर। ठीक है, वाटर हमें सेवन अर्थ के 71% हमारा कवर करता है वाटर, बट आपको सुनने में हैरानी होगी कि उनमें 3%, सिर्फ 3% ड्रिंकेबल वाटर है। 3% हमारा ड्रिंकेबल वाटर है। ठीक है, अब वाटर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस है जिस जो हमें बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, ये सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटी है। पीने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए भी ये वाटर इनडायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, अब वाटर कहां से हमें सप्लाई होता है? डैम्स, कनाल्स या टैंक, ये सारी जगहों से हमें वाटर मिलता है। ठीक है, इसमें स्ट्रीम्स भी हो गया, रिवर्स भी हो गया। अब वाटर का दो जगह यूज होता है, मेन बेसिक नेसेसिटी हम पीने के लिए, दूसरा इरिगेशन के लिए। ठीक है, जहां पे हम क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन में यूज करते हैं वाटर, और तीसरा हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो कि हमारा डैम्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम डैम्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डैम्स, ठीक है, ये रिवर्स, स्ट्रीम्स, कनाल्स, इस पे बैरियर लगा देते हैं ताकि इसका इसको पानी को बहने से रोके और उसके बाद हम यूज कर सके इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। अब डैम्स का एडवांटेजेस है, हमारा ये इरिगेशन में यूज होता है, इरिगेशन में यूज होता है, वाटर सप्लाई करता है ये टू अर्बन एरियाज। इरिगेशन, वाटर सप्लाई टू अर्बन एरियाज, ठीक है, और तीसरा हमारा यूज होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये तीन यूजेस है, मेनली ये तीन यूजेस है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है। इसका डिसएडवांटेज पहला है हमारा सोशल प्रॉब्लम होता है। सोशल प्रॉब्लम में क्या होता है कि जहां पे जिस एरिया में डैम बन रहा है वहां के लोग, वहां के विलेजर्स हो गए मेनली, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने घर से डिस्प्लेस हो जाते हैं, ये हमारा मेन सोशल प्रॉब्लम है। अब दूसरा सोशल प्रॉब्लम है इसका, ये एनवायरमेंटल सोशल प्रॉब्लम। और तीसरा है इसका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंट क्या है, जिस एरिया में ये डैम बनते हैं वहां के हैबिटेट पे इफेक्ट पड़ता है, वहां के वाइल्ड लाइफ, वहां के फॉरेस्ट, ठीक है, जानवर, परिंदे, पेड़, सब पे इफेक्ट करता है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है कि ये लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाता है इन डैम्स को बनाने के लिए, डैम्स को बनाने के लिए, अब उस हिसाब से हमें उतना बेनिफिट भी नहीं मिलता। ठीक है, अब इसका एक हमारा सॉल्यूशन है, डैम्स के बदले हम यूज कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं, ये एक मेथड है। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं वाटर को और स्टोर करते हैं
बेनिफिट के लिए, आगे अच्छे यूज के लिए, ठीक है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत सारे मेथड है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग रेनफॉल, जब पानी बहता, रेनफॉल रेन होता है तो पानी यहाँ से बह जाता है, ठीक है, और यहाँ बैरियर बना देते हैं, यहाँ बैरियर बनाते हैं ताकि ये वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, कलेक्ट हो जाए। अब इसमें हम कोई क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, इसमें मेनली राइस वाइस लगाते हैं जिसको पानी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब जो ये क्रॉप्स लगाया, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये वाटर स्वीप हो जाता है अंदर, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला, ग्राउंड वाटर में जाके ये हमारे वेल्स में आ जाते हैं, ठीक है, वेल्स, कुआं जिसको बोलते हैं, और यहां से हम पानी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे मेथड्स की ओर, ये हमारा वेरियस मेथड से, दूसरे मेथड से ट्रेडिशनल मेथड के अलावा, ठीक है। होता क्या है कि एक्चुअली यहाँ हिल है कोई, ये हिली एरियाज में यूज होता है, मेनली हिल होता है, यहाँ पे जब रेनफॉल होता है तो वाटर यहाँ से बह जाता है, ठीक है, बह जाता है, और हमें कोई फायदा, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और दूसरा, इससे जो वाटर बहता है उसके साथ सॉइल भी बह जाता है जिससे हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है। अब इस हिल को हम इस तरह से बीच में काट काट लेते हैं, ठीक है, ये काउंटर्स, काउंटर्स मीन्स जो आउटलाइन होता है इसका, उसको काट के हम इसका प्लेटफॉर्म बना देते हैं, इस तरह से प्लेटफॉर्म स्टेप्स बना देते हैं, जैसे घरों में हमें स्टेयर्स होता है वैसे ही स्टेप्स बना देते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे हम क्रॉप्स उगा देते हैं ताकि कल को जब रेनफॉल होगा तो यहाँ पे स्टोर रहे वाटर, इस क्रॉप्स को फायदा हो। यहाँ पे अगर इसमें ज्यादा हो गया तो नीचे 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 स्लोप की वजह से डाउनवर्ड वाटर रन होता है, ठीक है। ये है हमारा काउंटर फार्मिंग। काउंटर बंडिंग भी सेम मेथड है, लेकिन इसमें स्लाइट डिफरेंस ये है कि जो एच होता है, काउंटर्स के एच पे बंड लगा देते हैं, बंड मींस बैरियर लगा देते हैं, वो पत्थर के भी हो सकते हैं या इस पे हम कोई ट्रीज भी लगा सकते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि वाटर यहाँ हर हर प्लेटफॉर्म पे स्टोर रहेगा, ठीक है, ये काउंटर बंडिंग। और टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं, ये भी काउंटर फार्मिंग के सिमिलर है, लेकिन इसमें टेरेस फार्मिंग में हम ये ऊपर टेरेस टेरेस बना देते हैं, यहाँ से ही शुरू कर देते हैं फार्मिंग, ठीक है, ये ऊपर नीचे स्टेप स्टेप सारे टेरेस फार्मिंग ऊपर से ही शुरू कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, पहले इन टर्म्स को समझ लीजिए। फॉरेस्ट मेनली डील करता है हमारे फ्लोरा के साथ, ठीक है, फ्लोरा में प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशंस, हर्ब शर्ब्स, इसको डील करते हैं, और वाइल्ड लाइफ में हमारा डील होता है मेनली फोना के साथ। फोना में हमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इसमें फंजाई भी आ जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और एनिमल्स, ठीक है, ये सारे वाइल्ड लाइफ को डील, वाइल्ड लाइफ डील करता है, मतलब इन सारों को वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ये हमारे वर्ल्ड 30% हमारा अर्थ को कवर करता है, 30% कवर करता है हमारे अर्थ को, ठीक है। अब उसमें 1990 से लेके 2015 तक 3% रेट से फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं, 3% रेट से फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं। फॉरेस्ट को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। What forest is also called as biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot का मतलब क्या हुआ कि an area in which various plants and animals are present. ठीक है,
ये फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है इनको कलेक्टिवली बोल सकते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स के बारे में। ठीक है, स्टेक होल्डर्स का मतलब यह है कि एनी पर्सन हु इज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन समथिंग। ठीक है, अब फॉरेस्ट का स्टेक होल्डर मतलब जो कोई फॉरेस्ट में इंटरेस्ट रखता हो, फॉरेस्ट में कंसर्न रखता हो, उनको स्टेक होल्डर बोलेंगे फॉरेस्ट का। ठीक है, इसमें चार ग्रुप आते हैं, एक तो हमारा लोकल है, दूसरा हमारा है इंडस्ट्रियलिस्ट, तीसरा है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और चौथा है हमारा फॉरेस्ट एंथुजियास्ट। ठीक है, लोकल मतलब जो लोकल विलेजर्स होते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, वुड फॉर देयर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स को ग्रेज करने के लिए ये फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और वेरियस प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल लेते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते थे, वो है इंडस्ट्रियलिस्ट। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट को ओन करते हैं, जिसका फॉरेस्ट होता है और रिसोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्प करते हैं। और हमारा लास्ट पे है फॉरेस्ट एंथुजियास्ट का मतलब है वो जो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, जैसे हमारा सोशल एक्टिविस्ट हो गया, ये सारे फॉरेस्ट एंथुजियास्ट पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके कंजर्वेशन पे, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करें। हम फॉरेस्ट को एक तो पहला स्टेप है कि डीफॉरेस्टेशन कम करना है और इसके बदले हमें एफॉरेस्टेशन करना है। ठीक है, इसके बदले हमें एफॉरेस्टेशन करना है। इंडिया में एक फेस्टिवल होता है वन महाउत्सव करके जो फरवरी और जुलाई में होता है। इस फेस्टिवल में एफॉरेस्टेशन होता है मास स्केल पे, एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्रीज होता है इस फेस्टिवल में। ठीक है, अब ये हो गया कंजर्वेशन। अब हमारा दूसरा कंजर्वेशन, अब अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो यहां पे दो मूवमेंट हुए थे। ठीक है, एक तो हमारा चिपको मूवमेंट 1970s में हुआ था, जहां पे उत्तराखंड के लोगों ने प्लांट को हक किया था और कंजर्व किया था, जो काट रहे थे उनको रोका था। ठीक है, ये चिपको मूवमेंट। और वैसा ही कुछ देखने को मिला हमें राजस्थान में, जहां पे अमृता देवी करके एक लड़की थी, औरत थी, उसने और उसके तीन बेटियों और 365 लोगों ने अपना जान दे दिया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट को लेके। ठीक है, ये है। और इसके ऑनर में अभी अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन गवर्नमेंट ने इनके नाम पे दिया है, जिसमें जो कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को उनको थोड़ा सा पर्क्स इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, एनकरेज करते हैं। अब ये हो गया फॉरेस्ट। वैसे ही हाल है हमारा वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ में IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा रेड बुक निकालते हैं, जहां पे एनलिस्ट लिस्ट बनाते हैं रिसोर्सेस प्लांट्स एंड एनिमल्स को। 10% इंडिया का एंडेंजर्ड स्पीशीज है फ्लोरा में, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और 20% हमारा मैमल्स में है। अब हमें ये भी शिकार है, हंटिंग हो गया, पोचिंग, इन सारों का शिकार होते हैं। पोचिंग जहां पे इलीगली हंटिंग होता है उसको पोचिंग कहते हैं। हंटिंग में गवर्नमेंट परमिशन दे देते हैं और पोचिंग में इलीगली हंटिंग होता है। इन सारों की वजह से जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है इनका कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत फर्क पड़ रहा है। यहां तक ही था
अब इस चैप्टर में हमने मेनली फोकस किया था कि अवेयर, इसमें मेन हमारा मोटिव रहा कि क्या अवेयरनेस करे नेचुरल एनवायरनमेंट को लेके, ठीक है। और इसमें हमने मेथड्स भी निकाले, फैक्टर्स भी निकाले जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं और जिससे हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज का सक्सेस हो। थैंक यू।